वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस, आप सभी का स्वागत है मेरे करियर प्लस चैनल में। और यहाँ पे जो है आपके लिए खुशखबरी इसमें आ चुकी है, यहाँ पे जो 13 साल बाद जो है TJT जो है जीव विज्ञान का रिजल्ट जारी कर दिया गया और 34 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। ये बात कर रहे हैं इसमें जो नया आयोग बना हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग है, शुक्रवार को इंटरव्यू लिया दोपहर में और रात में जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 2011 में जो है मांगे गए थे आवेदन और जून 2016 में जो परीक्षा कराई लिखित परीक्षा जो है PCS परीक्षा केंद्र इसमें जो है ये बने थे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो बताया PCS खबर इसमें आ चुकी है और साथ में जो TJT का रिजल्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया। 13 साल बाद इनकी नौकरी लग चुकी है, यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो है ये देख लीजिए उसी के संबंध में जानकारी यहाँ पे इधर की लगभग सभी समाचार पत्रों में खबर इसमें आ चुकी है। यहाँ पे आधी रात कर जो है वो रिजल्ट आया, परिणाम आया और TJT का है भर्ती का 13 साल बाद के बाद जो है दिन में साक्षात्कार किया गया। तो बात करेंगे हम माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से चयन बोर्ड ने कराई थी परीक्षा और जो नए आयोग ने जारी कर दिया परिणाम। मतलब क्या है कि पुरानी जो आयोग ने जो है एग्जाम कराया था और नए आयोग ने जो है इनको जो है परिणाम दे दिया गया। 2011 की भर्ती होने के साक्षात्कार में नहीं पहुंचे आधे से भी आधी ज्यादा से अभ्यर्थी, मतलब जो पहुंचे उनका चयन कर ही गया है। यहाँ पर सीटें खाली थी, यहाँ पर जो है 14 में यहाँ पे देख ली इनकी नौकरी लग चुकी है। यहाँ पर जो है अब इनके लिए खुशखबरी आ चुकी है, नए साल पे इनके लिए तोहफा मिल चुका है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है नए साल भी अगले महीने आने वाला है। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थी ने जो है 75 ने ही जो है इंटरव्यू देना ये इंटरव्यू दिया, ठीक है। बाकी सब ऐसी पहुंच गए, यहाँ पर जो देख लीजिए नाम दिया हुआ, आधी रात में जो है इनका रिजल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है, इनके लिए खुशखबरी इसमें आ चुकी है। यहाँ पर वहीं पर यहाँ पे बात करेंगे इसमें जो है कि इनके लिए खुशखबरी है एक ही और है, 6 लाख सीटों पर मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। यहाँ पे बताया गया इसमें जो है कि ITE यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो है कि इसमें जो है IRT के तहत जो है 4 चरणों में 27 मार्च तक दाखिले जो है 62829 निजी स्कूलों में जो है एडमिशन के लिए बोला गया। अभिभावक की के लिए बनाई जाएगी हेल्पलाइन डेस्क। मतलब क्या है कि जो CBSE जो स्कूल चलते हैं आपने देखा होगा फी की जो फीस बड़ी महंगी होती है आपके स्कूल में, DPS वगैरह सेंट मैरी वगैरह, तो उसमें जो है गरीब बच्चों को भी लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उसमें जो अमीर बच्चों के बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कहने मतलब फीस 3000 रुपये हर महीने, 4000 रुपये फीस जाती है नर्सरी LKG UKG की। तो ऐसी फीस के लिए यहाँ पर जो है दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो है अब जो है अब गरीब बच्चों के लिए भी हैं, गरीब बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर है ना, उनके स्कूलों में जो है दाखिले प्रक्रिया मुफ्त कर दी गई यहाँ पर जो है ये, तो उसी के संबंध में जानकारी यहाँ पे जो है वो दे रखी है। तो उसे है ना, तो देख लिया यहाँ पे 5 माह बाद जो है मिला मूल वेतन भत्ते न जुड़ने में असंतुष्ट बात हो रही है। यहाँ पे प्राइमरी से लेकर एडेड कॉलेज में यहाँ पे जो है ये शिक्षकों की कमी के लिए यहाँ पे बताया गया, उसमें जो है वेतन जुड़ा गया। और इसके बारे में जानकारी भी मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर TJT बायो 11 के 34 अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं और यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो बताया गया, इसमें जो है कि पूरी रात जो आयोग में डटी रही अध्यक्ष और सदस्य है ना, पूरी रात यहाँ पर डटे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये, वहीं पे एक इन्फॉर्मेशन और, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही, कल से जो रोडवेज के यात्रियों को भी मिलेगी लाइव लोकेशन। जैसे आप बस आप जो है जैसे आप ट्रेन देखते हैं ना, ट्रेन जैसे आपके लाइव दिखा रहे कौन से स्टेशन पर आ गई कौन से क्या आ गई, तो ऐसे ही आप जो है ये लाइव लोकेशन यहाँ पर जो है ये कल से रोडवेज की भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये ऐप के माध्यम से जो है 30 नवंबर को की जाएगी और इस अवसर पर जो है रोडवेज के जो है ड्राइवर और करोड़ों जो है एक तरीके से यहाँ पर कंडक्टर है ना, 1 करोड़ से दुर्घटना बीमा भी हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो ये, और आपके लिए खुशखबरी इस आ चुकी, उत्तर प्रदेश के अंदर सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में यहाँ पे भर्ती का जो विज्ञापन था प्योन भर्ती यहाँ पे आउट हो चुका है। और वो भी आप सभी जानते हैं यहाँ पे A to Z कंपनी, ये कभी पैसे नहीं लेती यहाँ पर जो उन्होंने सोचा। कई बार बच्चे कमेंट कर रहे सर A to Z कंपनी पैसा नहीं लेती, मैं बता रहा हूँ कि लड़के लगे हुए यहाँ पर जो 94 पदों पर जो भर्ती इसमें आ चुकी है। यहाँ पर जो ये और लास्ट डेट देख लीजिए आप 3 दिसंबर 2024 हुई, और विभाग का नाम देख लीजिए, डिपार्टमेंट का नाम माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकल चुकी है और इसमें लड़के कई सारे आवेदन कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है ये पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा इसी वीडियो में, है ना, वीडियो को लास्ट देखिए। पहले जनपद के नाम दिखा दूं, यहाँ पे आपको जो रामपुर है, बिजनौर है, अमरोहा है, संभल है, ये देख लीजिए यहाँ पर जो ये जनपद के नाम दे रखे हैं। यहाँ पर जो ये रामपुर आपका जो है, इसके बाद बिजनौर है, अमरोहा है, संभल, इन जनपदों में यहाँ पर जो है ये आपका एडेड कॉलेज के अंतर्गत सहायता प्राप्त जो इंटर कॉलेज होते हैं माध्यमिक स्कूल, वहाँ पर प्योन भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 1178 रुपये सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर जो है 18-40 साल के उम्मीदवार इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो ये पदों की संख्या यहाँ पे 94, इसके अंदर फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर जो है फॉर्म कैसे भरना आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जो है और A to Z कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो है वॉचमैन की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फॉर्म भरना कैसे। यहाँ पर जो है इस तरीके से, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वॉचमैन की और स्वीपर की वैकेंसी आ चुकी, देख लीजिए यहाँ पर जो आपका जो स्वीपर की ये आपका वॉचमैन की वैकेंसी A to Z कंपनी की तरफ से यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर 3 दिसंबर इसकी भी जो है वो लास्ट डेट यहाँ पर 3 दिसंबर बताई गई है, उसमें आपको 94 थे, इसमें जो है वॉचमैन को 39 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। ये सब भर्तियाँ जो है 12th पास वाले आउटसोर्सिंग से जो लगते हैं यहाँ पर संविदा पर, उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है।
तो भाई देख लीजिए यहाँ पर जो सुपर की वैकेंसी भी है यहाँ पर जो आउट हो चुकी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर सुपर की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए इंटरमीडिएट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो ये, और ये कंपनियाँ जो होती हैं ये भर्तियाँ जो होती हैं आउटसोर्सिंग से होती हैं, संविदा पर होती हैं। यहाँ पर जो है एडेड कॉलेज सरकारी इंटर कॉलेज के अंतर्गत ये संविदा पर कर्मचारी लगाए जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुतों को पता नहीं होगा। और मेरे चैनल के द्वारा कम से 1 से 1.5 लाख लोगों को नौकरियाँ मिल चुकी हैं यहाँ पर जो ये बताएगा अटत्ते के, है ना। तो इस समय देख लीजिए, तो मैं जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूँ। फॉर्म भरना कैसे आप समझ सुन लीजिए, आपको जो सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है, देख लीजिए यहाँ पे ऑनलाइन सेवा योजना प्रणाली उत्तर प्रदेश, ये ऑनलाइन आपको जो फॉर्म भरना है और 3 दिसंबर इसकी लास्ट डेट बताई गई है, तो आपको सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाके ये वाला फॉर्म जो है भर दीजिए। यहाँ पर जो ये भर्ती इसमें आ चुकी है यहाँ पर जो है, वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर देख लीजिए आपका जो राजस्व आपदा विभाग में भर्ती निकाली गई डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर देख लीजिए लास्ट डेट की बात करेंगे तो 6 दिसंबर 2024 है ये, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर यहाँ पर, और यहाँ पर 6 पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर आ चुकी है 6 पदों पर। यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो है ये, इसमें जो इंटरमीडिएट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो है, देख लीजिए इसमें जो है, और सैलरी वगैरह अच्छा दे रखा है इसमें जो, और आपने देखा होगा कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ थंबनेल में तो वही इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ये मैं 20,400 रुपये सैलरी दिया गया और लोगों को मिल भी रही है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर जो ये तो देख लीजिए मिर्जापुर से, यहाँ पर जो जनपद जो है मिर्जापुर से उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर से वैकेंसी इसमें आउट हो चुकी है। बात करेंगे तो इसमें योग्यता की ये देख लीजिए पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है, इसका अंदर फॉर्म जो आप ही भर सकते हैं। ये भी जो है फॉर्म जो है सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं, पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर जो ये। और कुछ सब्सक्राइबर इसमें नए जुड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मैनपुरी से यहाँ पे वैकेंसी और आ चुकी है सैनिक स्कूल की तरफ से, यहाँ पर जो ये देख लीजिए टीजीटी पीजीटी की है, साथ में लैब असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कोई शुल्क नहीं है, पहले फीस लिया करते थे यहाँ पे 500 रुपये 400 रुपये फीस जो है, पर इसके अंदर कोई शुल्क नहीं है, डायरेक्ट इसमें अपॉइंटमेंट होगा, यहाँ पर इंटरव्यू को बेस पर सिलेक्शन है। यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट है ये, और लैब आपका फिजिक्स है केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट की भर्ती यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और एससी वालों के लिए भी यहाँ पर जो है टीजीटी इसमें इंग्लिश की वैकेंसी बताई गई है, देख लीजिए पर जो ये पूरा ब्यौरा यहां पे दे रखा है, आपको करना क्या इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं। 10 दिसंबर से पहले जो है इसकी जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट पे जाइएगा, यहां पे जाके जो है और ये वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं आप लोग जो है। अगर समस्या आ रही है तो फोन नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं कि फॉर्म में कैसे भरना है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी यहां पर निकालेगी एडॉक बेसिस पे, वैकेंसी यहां पर जो है ये आउट हो चुकी है यहां पर जो है। एक खबर और यहाँ पर मैनपुरी में जो भाजपा का समर्थन करने पर जेई ने उखाड़ा मीटर, मतलब क्या बीजेपी के समर्थन पर सैलरी बीजेपी से उठा रहे हैं पर बात ये भाजपा समर्थन करने पर इन्होंने जो है जेई सामने जो है मीटर उखाड़ कर रख दिया है, देख लीजिए यहाँ पर जो शिकायत कर दी यहाँ पर जो है मंत्री जी से, इसको जेई को देख लीजिए गाली गलौज करा हुआ। जेई ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि भाजपा को समर्थन बनाती है तू, है ना, सपा को वोट नहीं दिया, मतलब उसी को लेकर यहाँ पर मीटर उन्होंने उखाड़ दिया मीटर, देख लीजिए यहाँ पर जो है। और यहाँ पे कमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे सर अंबेडकर नगर में यहाँ पे जो है कब जो भर्ती आएगी 4 क्लासेस 4th क्लास की, भैया आ चुकी है एक बार, आप ओल्ड वीडियो देख लीजिए यहाँ पे जीआईसी प्योन भर्ती जो है कब तक, मैंने रिप्लाई कर दिया आप देख लीजिए कल का वीडियो में यहाँ पर जो है ये। और इसमें सर आपने बताया नहीं नगर में निगम में जो ग्रुप डी की प्रस्ताव शासन को भेज दिया, प्रशासन भेज देगा यहाँ पर जो है भर्तियाँ बहुत जल्द जो अटकी पड़ी हैं वो भी भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी। और यदि आप चैनल पर अगर मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन कोई भर्ती आपके ऐसे निकलना जाए, कोई सूचना है आपके ऐसे छूटना जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के प्लस, थैंक यू वेरी मच।